देसी एंड सिंपल रेसिपी में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। आज हम बनाएंगे उकड़ीचे मोदक। उकड़ीचे मोदक गणेश चतुर्थी के लिए खास बनाए जाते हैं। ये गणेश जी का प्रसाद है। वैसे तो उकड़ीचे मोदक बासमती चावल या किसी अम्बे मोहर चावल इससे ही बनाए जाते हैं, खुशबूदार चावलों से। लेकिन आज मैंने ये बनाए हैं जो रेशनिंग में मिलते हैं ना राइस चावल, वो पिसा कर। वो हमने चावल अच्छी तरह से धोकर पंखे के नीचे ही सुखाकर पिसा के लाए हैं। उसका आटा बना के ये बनाए हैं। अगर आप चाहते हैं तो खुशबूदार चावलों से ही बना सकते हैं। उकड़ीचे मोदक बनाने के लिए हम लेंगे एक बड़ा चम्मच खसखस। खसखस हम एक या दो मिनट भूनेंगे, थोड़ा कलर चेंज होने तक, ज्यादा नहीं, एक मिनट के लिए भूनेंगे और साइड में निकाल देंगे। अब हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालेंगे, सूखा मेवा, और थोड़ा सा घी डालेंगे। इसे भी एक दो मिनट भून लेंगे और साइड में निकालेंगे। और एक कटोरी मैंने नारियल का कीस लिया है, इसे मैंने मिक्सी में ग्राइंड करके लिया है। नारियल के टुकड़े करके मिक्सी में थोड़े घुमा लिए हैं इस तरह से। इसे हम इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं नारियल को, लेकिन हमें जल्दी चाहिए इसीलिए मैंने मिक्सी में ग्राइंड किया। इसे अब हम भून लेंगे एक कटोरी। थोड़ा सा भूनेंगे एक मिनट। ये मैंने आधा कटोरी गुड़ लिया है। एक कटोरी नारियल के लिए आधा कटोरी गुड़ लेंगे हम। इसमें डालेंगे ये पाव चम्मच मैंने इलायची पाउडर लिए है, ये भी इसमें डाल देंगे हम। अब हमने नारियल, गुड़, घी और इलायची पाउडर डाले हैं। अब ये सूखा मेवा भी डाल देंगे जो हमने भून के रखा था, और इसे हम मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब ये हमारा उकड़ीचे मोदक का सारण तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे और आटे की तैयारी करेंगे। तो हमें एक कटोरी आटे के लिए मैंने ये डेढ़ कटोरी इसमें पानी डाला है उबलने के लिए। अब ये पानी उबल चुका है, हम इसमें आटा डालेंगे। तो पहले हम थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा, पाव चम्मच, और एक चम्मच घी डालेंगे थोड़ा। उबले हुए पानी में हम अभी आटा डालेंगे। ऐसे घुमाएंगे, अब ये चावल का आटा हमने अच्छी तरह से मिक्स किया है। इसे दो मिनट हम धीमी आंच पे कुक होने देंगे, दो मिनट के लिए। अब दो मिनट के बाद हम इसे गैस बंद कर लेंगे और 10 मिनट ऐसे ही रखेंगे। अब 10 मिनट बाद मैंने ये आटा परात में निकाल लिया है। अब इससे इसे थोड़ा घी लगाया है एक कटोरी का, इससे ये थोड़ा ऐसे करेंगे, चूरेंगे। गरम है, गरम गरम ही हमें इसकी ये बूटियां तोड़नी है। अच्छी तरह से गूंदेंगे हम। पानी लगाएंगे, चिपकता है। ये मैंने चावल के आटे का गोला बना के छोटा सा आटे में डिप करके अब इसे बेलेंगे, छोटा सा एक लाठी बनाएंगे।
आटे बनने के बाद हम इसकी कलिया करेंगे, फोल्ड करेंगे इसे धीरे धीरे, ऐसे एक फोल्ड बनाएंगे। चारों तरफ मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं है, अगर आपको है इससे भी अच्छे से बनाइए। चुटके लगा के थोड़ा आटा लगा के इसमें हमारा सारण भरेंगे। वाटी जैसा बना के, कटोरी जैसा बना के इसमें हमने सारण भरा है और ये पूरा ऐसा जमा करके पूरा ऐसे राउंड बनाएंगे। इसे चम्मच से या किसी छुरी से ऐसे थोड़े कलिया बनाएंगे। प्रैक्टिस नहीं है तो थोड़ा हो जाता है, बार बार प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। मैंने भी ऐसा ही बनाया है, देख लीजिए देसी। ऐसे मैंने ये सारे मोदक बनाए हैं, इसे हम स्टीम कर देंगे 10 मिनट के लिए, हमें छन्नी में स्टीम करना है। अब ये पत्ते मैंने केले के पत्ते लिए हैं, इसे थोड़े ऐसे ऐसे होल भी किए हैं स्टीम आने के लिए। छन्नी है फिर छन्नी के लिए स्टीम ऊपर आनी चाहिए। ये दो पत्ते मैंने ऐसे रखे हैं। अब इसमें हम मोदक रखेंगे, ये पानी गर्म करने रखा है, इसके ऊपर हमें छन्नी रखनी है। अब ये हमने पत्ते रखे, इसके ऊपर थोड़ा सा घी भी लगा दिया है। अब ये हम मोदक रखेंगे, थोड़ा सा दूर दूर रखेंगे, चिपकेंगे नहीं तरह से। बहुत ही टेस्टी मोदक बनते हैं ये। अब ये पानी उबल चुका है, हम ये मोदक इस पे रखेंगे। अगर अपने पास ये केले के पत्ते नहीं है तो हल्दी के पत्ते रख सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो एक कॉटन का कपड़ा या तो रुमाल भी रख सकते हैं, उसके ऊपर हम मोदक रख सकते हैं। अब ये मोदक स्टीम करने के लिए रखे हैं, इसके ऊपर एक ढक्कन रख देंगे मीडियम आंच पे। 15 मिनट हम स्टीम कर लेंगे, 15 मिनट बाद अब देखेंगे। 15 मिनट स्टीम होने के बाद इसे 10 मिनट रखना था गैस बंद करके, मैंने 10 मिनट रखा है। अब इसे हम देखेंगे, थोड़ा ठंडा हो गया, हम इसे निकाल देंगे। अब ये हमारे देसी उकड़ी चे मोदक घी डालकर तैयार है, उकड़ी चे मोदक रेडी। आज का ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।